उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी सहित अखाड़े के साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। धामी पहली बार महानिर्वाणी अखाड़े आए। उनका कहना है कि साधु संतों का कार्य है। संतों ने शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया और आशीर्वाद दिया, साथ ही प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री जी के दो तीन प्रोग्राम थे हरिद्वार में, तो वो यहाँ आशीर्वाद के लिए आए थे। भगवान शिव का उन्होंने अभिषेक किया और यहाँ महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत और जो संत थे उनसे उन्होंने अपना आशीर्वाद लिया। सब लोगों ने उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया और पहली बार ही अखाड़े में उनका आगमन हुआ था। पूरा जलपान करके और यहाँ से प्रस्थान किया। साधु संतों का कार्य है राजा को आशीर्वाद देना। राजा जब साधु संतों के आश्रम कुटिया में आते हैं तो संतों का कर्तव्य है ये कि वो उनको आशीर्वाद प्रदान करें। हमारा छोटा सा राज्य उत्तराखंड ये समृद्ध हो, प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहे और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसकी प्रशंसा के लिए संतों ने अपना आशीर्वाद के रूप में उनको शब्द भी दिए। और जो हमारी वैदिक परंपरा है, तिलक, चंदन, शॉल, भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष की माला पहना करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया।